रियलिटी शो है, सिंगिंग रियलिटी शो। आपने जो भी शोज देखे हैं उससे बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पे एक ब्लाइंड ऑडिशंस करके होता है इस शो में, जहाँ पे हम कंटेस्टेंट्स को देख नहीं पाएंगे लेकिन उनकी आवाज़ सुन पाएंगे और उस आवाज़ के आधारित हम चेयर पलटेंगे। उस आवाज़ ने अगर हमारी दिल छू ली या हमें आकर्षित किया उस उनकी तरफ तो हम पलटेंगे। तो ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ है, बहुत ही डिफरेंट है। एंड अगर एक से ज़्यादा लोग पलटे तो हम कोचेस के बीच में भी लड़ाइयाँ झगड़े नोकझोंक होने वाले कि ये कंटेस्टेंट मेरी टीम में आएगा, तो वो भी बहुत एक एक्साइटिंग चीज़ है इस शो के बारे में। पहली बार जज कर रहे हैं जी, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। एक नया मोड आया है मेरी ज़िंदगी में, नया एक जर्नी है, नई जर्नी। और बचपन में मैं खुद एक कंटेस्टेंट के तौर पर था एक रियलिटी शो में, और अब मैं कोच के तौर पे आया हूँ इस शो में और इतने अमेजिंग लोगों के साथ जुड़ा हूँ, रहमान सर, अदनान सर, हर्षदीप, कनिका। एंड बस मैं सब फैंस को यही कहना चाहता हूँ कि नया अवतार है लेकिन पुराना अरमान है। अरमान सर काफ़ी रहमान सर काफ़ी ये रहते हैं सीरियस रहते हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो इस शो में जितना आप सोच रहे हो कि वो सीरियस हैं वो है ही नहीं, वो बहुत मजाकिया हैं। उनकी जो पर्सनालिटी है पूरी मतलब अलग ही आई है स्क्रीन पे। एंड पहली बार मेरे ख्याल से रहमान सर टीवी पे एक शो पे आने वाले हैं, बहुत टाइम बाद किसी ने उनको एक टीवी पे देखा, मतलब टीवी शो पे देखा है। एंड उनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी लोग सोचते हैं कि बहुत सीरियस है, बहुत चुप रहते हैं, लेकिन इस शो में काफ़ी उनकी इंट्रैक्शंस हैं, बहुत अमेजिंग सरप्राइजेस भी हैं। आपके काफ़ी फैन फॉलोअर्स हैं, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? बस मैं सब अपने फैंस और अरमानियंस से यही कहना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए एक नई जर्नी है, मैं आपका लव और सपोर्ट चाहता हूँ जैसे आपने मुझे ऑलवेज दिया है। एंड बस शो को एंजॉय कीजिए एंड आई विल कीप गिविंग यू अमेजिंग सरप्राइजेस लाइक दिस। ओके, जैसे कि आपने कंटेस्टेंट से मिले होंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस कंटेस्टेंट से मिलना, और क्या ये कोई शहर में जाके आप लोगों ने कोई ऑडिशन हुआ आपको? एक्चुअली हम लोग शहर नहीं गए थे और ऑडिशन के लिए, यहाँ पे एक नेशन वाइड ऑडिशंस टेक प्लेस हुए थे, उसके बाद एक काफ़ी शॉर्ट लिस्ट गए थे नाम, एंड ये प्रोसेस हमारे नॉलेज के आउट है क्योंकि हम सिर्फ उन्हें सुन सकते हैं। तो फाइनली जो कंटेस्टेंट्स आए उन्हें सिर्फ सुन पाएंगे हम, एंड हम एक्चुअली कंटेस्टेंट से मिले नहीं अभी तक, तो कोई भी कंटेस्टेंट से मिले नहीं अभी तक। अभी जब ब्लाइंड ऑडिशंस ख़त्म होंगे और जब बैटल राउंड चालू होगा तब हम उनसे मिलेंगे, मुलाकात होगी और कोचिंग स्टार्ट होगी उस टाइम। ओके, किस तरह की वॉइस आप ढूंढ रहे हैं, कुछ आपका कोई है क्या? और जस्ट मैं चाहता हूँ कि जो वॉइस जो मुझे छू जाए, मेरे दिल को छू जाए, एंड एक जो अलग वॉइस जो भीड़ में से कुछ अलग सुनाई दे कि ये वॉइस मुझे पसंद आए क्योंकि ये बहुत अलग है, मैं वो ढूंढ रहा हूँ। अरमान, वैलेंटाइंस डे आ रहा था, आर यू डेटिंग एनीवन टिल नाउ? और वाह भाई, क्या क्वेश्चन पूछा सब लोग जस्ट में ही पूछते हैं, जस्ट आई एम टेलिंग यू आई डोंट नो, बट ठीक है, डेफिनेटली दिल में हो। अच्छा, वैलेंटाइंस है ना, रोमांटिक सॉन्ग मैं गाना चाहता हूँ। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, पहली नजर से ही यारा हो, ये इश्क की है साजिशें, लो आ मिले हम दोबारा। सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि द वॉइस आ रहा है स्टार प्लस पे 3 फरवरी से, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हमारे सब जो कोचेज़ हैं, रहमान सर, महागुरु जो हैं, हम सब एक्साइटेड हैं। तो आप डेफिनेटली वॉच कीजिए एंड आप इसे बहुत लाइक करेंगे शो को। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सबको जाके ये शो 3rd of February स्टार प्लस पे देखना चाहिए। बहुत ही स्पेशल शो है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इस शो में, अकेले इस शो में आवाज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। हम कंटेस्टेंट को देखते नहीं हैं, हम उनको सुनते हैं, उनको महसूस करते हैं। सो अगर वो हमें पसंद आते हैं तो हम ये बज़र दबाते हैं, एंड जब हम पलटते हैं तो उस कंटेस्टेंट की भी किस्मत शायद थोड़ी सी पलट जाती है।
और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसमें सारे कोचेज अलग अलग तरीके के कोचेज हैं. सुपर गुरु ए आर रहमान जी हैं. तो जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है और आएगा, उसको बहुत सीखने को मिलेगा. बिकॉज हम सबके एक्सपीरियंसेस, आई मीन 15 साल पहले मैं भी एक कंटेस्टेंट थी और आज मैं यहाँ एक कोच बन के आ रही हूँ, और मैं वो सब उनको सिखाना चाहती हूँ जो मैंने सीखा है इतने सालों में. सो एक हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है, एक नई जर्नी है, एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए. ऑनेस्टली एक बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि बस कुछ समय पहले ही हम दूसरी साइड पर थे और आज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है हमको, एंड हम भी इस चीज़ से बहुत कुछ सीख रहे हैं. सो किन-किन शहरों से कंटेंशन को लाने वाले हैं आप लोग, क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली बहुत ही मिक्स्ड है हर शहर, बहुत से डिफरेंट शहरों से, बड़े शहरों से, गाँव से, बस्तियों से लोग आ रहे हैं, और आप ये सोच भी नहीं सकते कि कितने बढ़िया आर्टिस्ट्स हैं इन द मेकिंग, एंड बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जिससे वो गाते हैं. उनकी गायकी अलग है, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे हिमाचल से हो, चाहे महाराष्ट्रन हो. तो बहुत ही बढ़िया कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं, क्वालिटी बहुत बढ़िया है. उनको थोड़ा सा और ब्रशअप करेंगे. ऑफकोर्स ए आर रहमान जी सुपर गुरु, पहली बार ऐसे एक जज की तरह आ रहे हैं टीवी पर, एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है बिकॉज बहुत ही घुल मिल गए हैं और बहुत ही नई नई चीज़ें बताते हैं. उनका एक टेक बहुत डिफरेंट है जिस तरीके से वो अपने कमेंट्स देते हैं. अदनान जी के हम सब ही फ़ैन हैं, पले बड़े इनके म्यूज़िक के ऊपर. उनसे बहुत मज़ा आता है सुनने में कि वो एक उर्दू बहुत खूबसूरती से बोलते हैं. हर्षदीप से एक डिफरेंट चीज़ मिलती है, बहुत ही सुरीला गाती हैं, कितने बढ़िया टिप्स देती हैं बिकॉज उनकी गायकी अलग है. अरमान एकदम यूथ आइकॉन है और बहुत ही सोल से गाता है, एंड बहुत से नए सिंगर्स के लिए ये सुनना बहुत और देखना बहुत बड़ी बात है. सो बहुत मज़ा आ रहा है. आई थिंक ये बहुत ही एक्शन पैक्ड सीरियल, कॉम्पिटिशन तो मैं नहीं कहूँगी, एक बढ़िया द वॉइस आ रहा है स्टार प्लस पर, तो ये देखना ना भूलें. डर मैं ये कहना चाहूँगी कि 3 फरवरी को स्टार प्लस पर देखना ना भूलें द वॉइस हम सब के साथ.